शांति। आज 10 जनवरी 2022 की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातिरी करना। प्रश्न है, ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? उससे कौन कौन से फायदे होंगे? उत्तर है, जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट तीर लग जाएगा, शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा, फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बिचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैकरीन। सैकरीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। यह अक्षर सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं, उनके लिए वह जैसी खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातिरी यह करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर न सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्चे सच्चे खुश खैराफत भी यह है, किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतिन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तीरी यानी हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प में ही आकर तुमको देता हूँ। फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो, हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सदगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह अभी का ही गायन है ना? फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं।
कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा दोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ वह बात नहीं है, यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता, तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते हैं। गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तुम प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे याने लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना, अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर, सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह, यह तो कब न सुना न पढ़ा। भगवान उवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही है। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो, मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस न हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना, यह है रूहानी सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बना।
इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यह शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है, अब फिर वापिस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखना है, यह मेहनत करनी है। तुम बच्चों को अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगेंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। बाप आए ही हैं फल देने लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो, तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है, बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। भाइयों यानी आत्माओं तरफ देखो, भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह टेव यानी आदत पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो, बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ, भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ, भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनने वाले हो, इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़े ही। यह वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव यानी आदत डालनी है, तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य से मनुष्य बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारी ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। यह नई टेव यानी आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा, माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे
रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। यह अंत काल है ना, मामे कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, कब कोई बता न सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यह बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है, कोशिश करनी है, सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को नहीं, तो क्रिमिनल ख्याल नहीं आएंगे, बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। दूसरी पॉइंट है ताली दो हाथ से बचती है, इसलिए जब तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आपे ही चुप हो जाएगा। आज का वरदान है ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। विश्लेषण है, यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है तो प्यार की निशानी है जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। अपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना। आज का स्लोगन है खुश नसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। खुश नसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। आज के योग अभ्यास की पॉइंट है लवलीन स्थिति का अभ्यास करो। परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती है। अच्छा, ओम शांति।